अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइड पाकिस्तान। इस टाइम मैं मौजूद हूं मोती बाज़ार रावलपिंडी में। ये काफ़ी मशहूर बाज़ार है और काफ़ी पुराना है। ये बाज़ार राजा बाज़ार से अगर आप एंटर होते हैं, ये जो बाड़ा मार्केट है उससे थोड़ा सा आगे आएँगे तो ये बाज़ार स्टार्ट होता है। इस बाज़ार में लेडीज़ ड्रेसिस, स्पेशली उसमें फैंसी ड्रेसिस, ब्राइडल कलेक्शन, इसके अलावा जेंट्स ड्रेसिस और इसके अलावा किड्स के ड्रेसिस, जैकेट्स वगैरह भी यहाँ से आसानी से मिल सकती हैं। और भी काफ़ी छोटी यहाँ से जो आपको डेली ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए होती हैं, यहाँ से आसानी आप ख़रीद सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो में मज़ीद डिटेल आप इस बाज़ार के हवाले से जान सकेंगे। नाज़रीन, ये बाज़ार जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इसकी काफ़ी एंट्रीज़ हैं। मैं जिस साइड से इंटर हुआ हूँ, ये तलवाड़ा बाज़ार के साथ वाली एंट्री है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो है वो आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ये है जी मेहंदी से रिलेटेड अज़र डेकोरेशन है, इनके पास सामान है। यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक शॉप्स हैं, मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे ड्रेसेस की वैरायटी है। ये बड़े ही प्यारे यहाँ पे जो है वो ड्रेस और उनके कलर स्पेशली जो है ना काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। ये डिस्प्ले हैं, 1500 से जो है वो ये स्टार्ट हैं और बाकी इनकी जो है वो मुख्तलिफ प्राइस है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, ये है अरशद ज़री हाउस और यहाँ पे मुझे वैरायटी थोड़ी अच्छी लगी है तो सोचा आपके साथ ये शेयर करूँ। अच्छा, ये हैं जी लेडीज़ फैंसी ड्रेसेस, 2000 से ये जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। मुख्तलिफ इनमें कलर्स हैं। इस साइड पे भी जो है वो ड्रेसेस डिस्प्ले हैं। मैं शॉप के अंदर जाके, कुछ ब्राइडल कलेक्शन है इनके पास, यूनिक से नज़र आ रही है। अच्छा, ये तकरीबन 15,000 से स्टार्ट होती है और अनवर्ड 35,000 के अराउंड जो है वो जाती है। बहुत प्यारा ड्रेस दिखने में लेडीज़ का। इसके अलावा ब्राइडल कलेक्शन, ये तमाम जो है वो ब्राइडल कलेक्शन है और इनके प्राइसेस मुख्तलिफ हैं। बहरहाल 15,000 से ये स्टार्ट हो जाती हैं। नाज़रीन, ये मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो ये यहाँ पे कहवा सेल कर रहे थे, कहने लगे कैमरे में आना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं ये कितने में एक कप बेच रहे हैं? 20 रुपये 25 रुपये का। 20 और 25 का, ठीक। और ये लीमू भी डालते हैं हर गिलास में या किसी किसी में? ये गुड़ भी होते हैं। अच्छा, गुड़ भी होता है इसमें। तो दिन में कितने गिलास बिक जाते हैं या कप्स? 100 120। नाज़रीन, ये है जी आयान गारमेंट्स। अतीक भाई, मुझे ये बताएं आपके पास क्या क्या जो है वो ड्रेसेस हैं, कौन कौन से ड्रेसेस हैं? हमारे पास बच्चों के होते हैं, पेंट कोट्स हैं, बेबी फ्रॉक्स हैं और इसके अलावा गर्म सूटिंग है। ओके, यहाँ से बहुत वैरायटी होती है। ओके, जो हमारे पास पड़ी हुई है फैंसी फ्रॉक्स अवेलेबल हैं, छोटे फ्रॉक्स हैं 1 साल से लेकर 12-13 साल तक के बच्चे के पड़े हुए हैं। ओके, इसके अलावा पेंट कोट्स भी हैं। ओके, 4 पीस हैं, 3 पीस हैं, 2 पीस हैं, इस पर वैरायटी बहुत अवेलेबल है हमारे पास। इस पर भी साइजिंग डिफरेंट साइजिंग है, 1 साल है, 2 साल है, इसी तरह डिफरेंट 12 साल तक के बच्चे का आपको। ओके, तो कुछ मुझे दिखा सकते हैं पैंट कोट्स? ये देखिए आर्टिकल, ये चीज़ अवेलेबल है इसमें। ये कोट है इसके, ये चीज़ है इसके साथ आपको, ये आपको मिलेगा नीचे वेस्ट कोट है इसके साथ। ओके, ये चीज़ इसमें तकरीबन 10 से 12 कलर्स अवेलेबल हैं। 10 से 12 कलर्स अवेलेबल हैं। तो इसकी क्या प्राइस है? ये आपको मिल जाएगा 1600। अच्छा, ये जो पेंट कोट है बच्चों का, इसकी क्या प्राइस है? ये वाला है, ये वाला आपको मिल जाएगा, ये वाला, ये 2000 का आपको मिल जाएगा। 2000 का ये में गोल्डन ईगल का पीस है, ड्रेस कपड़ा है ये, ठीक है, जेंट सूटिंग में बना हुआ है। ओके, ये 3 पीस है? ये 3 पीस है। ओके, वेस्ट कोट के साथ है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ये डिजाइन है इसमें सिंपल। ओके, सिंपल डार्क शेड में। ये कितने में? ये भी आपको 2000 का मिल जाएगा। 2000 में, ठीक है। ठीक भाई, मुझे ये बताइए जो फ्रॉक्स वगैरह हैं फीमेल्स के, बच्चियों के, तो ये कितनी प्राइस से स्टार्ट होते हैं? इस पे तकरीबन हमारे पास 1000 से स्टार्ट है। ओके, 1000 से स्टार्ट है, 2 साल 3 साल 1000 से स्टार्ट है और मेरे पास तकरीबन ये आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये आपको 1800 तक मिल जाएंगे। 1800 तक? ओके, स्टार्ट है और 1800 तक आपको सारी वैरायटी। ओके, ये एक शू शॉप है, इनके पास मुख्तलिफ जो है वो शूज़, इसके अलावा हील्स और हील्स में ब्राइडल कलेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के जूते हैं। ब्राइडल कलेक्शन में जो है वो कुछ जूते आप बताएं। रेगुलर इस तरह के चल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है।
ओके ठीक है, इनकी साथ साथ प्राइस भी बताते जाएं, ये कितने में? 1000 में, ओके ये भी 1000 में, ओके ये 800 में आप सेल कर रहे हैं, ठीक है। कौन से सोल में? ये बैट सोल होता है, बैट सोल फैंसी में। और कितने में है ये? 800 में है, ओके। इसके अलावा ये कितने में? ये अभी 1000 में सेल कर रहे हैं। ओके, वैसे आपके पास जो जूते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? हमारे पास 800 से स्टार्ट होता है, 800 से लेके 1500 तक। अच्छा नाज़रीन, एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, ये जो बाज़ार है बेसिकली इसमें आप ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं ला सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये तकरीबन 8 से 10 फुट बहुत भी हुआ तो ये स्पेस होगी। ये बच्चों की कैप्स हैं गरम, और ये 450 इसका रेट है, लेकिन भाई से पूछा है ये 350 में जो है वो सेल कर रहे हैं। इसके अलावा इस साइड पे भी कुछ कैप्स हैं, ये कितने में सर दे रहे हैं? 400 में ये जो है वो सेल हो रही हैं। शुक्रिया आपका। ये गली आके यहाँ पे ना तकरीबन चौक, एक तकरीबन चौक नुमा है, तो मुख्तलिफ जो है वो यहाँ पे गलियाँ हैं और उनमें जो है ना बाज़ार है। यह जी रिफ्रेशमेंट सेंटर, यहाँ पे दही बल्ले काफ़ी जो है वो सुने यहाँ के मशहूर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं खान साहब? ठीक हैं। शॉप का नाम क्या है? चाट पैलेस। चाट पैलेस। चलें जी, यहाँ का कभी भी अगर विजिट हो तो अगर आपने चाट या दही भले खाए तो ये इसका एक्सपीरियंस जो है वो आप शेयर कर दीजिएगा। कपड़े सेलों में लेके जाए मेटी, आप सीधा आगे जाए, सीधा आगे जी। ये हैं मोहसिन सन्स, इनके पास साड़ी और इसके अलावा जो है वो ब्राइडल कलेक्शन है काफ़ी। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं उस्मान भाई। अस्सलामु अलैकुम उस्मान भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा उस्मान भाई, मुझे मुख्तसरन बताइए आपके पास कलेक्शन कौन कौन सी है? और सर हमारे पास इस टाइम ब्राइडल में आपको लहंगे मिलेंगे, ओके राजस्थानी भी मिल जाएंगे, ठीक है वो मिलेंगे, फर्शी मिलेंगे, गरारे मिल जाएंगे, ठीक है। नाज़रीन, ये पार्टी वियर की जो है वो मैक्सीज हैं, और इनकी प्राइस रेंज जो है वो डिफरेंट है और बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये है कि 25,000 से जो है वो अबव है, यहाँ से ही इसका स्टार्ट होता है प्राइस का। भी पार्टी वियर की जो है वो मैक्सीज हैं, प्राइस रेंज इनकी जो है वो 15,000 से लेके 25,000 के दरमियान में है। फिर ये हैं जी ब्राइडल के लहंगे, और उस्मान भाई वन बाय वन काइंडली बताते चाहिए। मेन ब्राइडल लगा हुआ है, फर्स्ट डे का ड्रेस है, फर्स्ट डे का ड्रेस है। यस सर, इसमें पूरा भी एडिट है। अच्छा, मुख्तलिफ किसी की मेकिंग इसमें स्टिच की हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बड़ा मुझे ये जो है ना खूबसूरत लगे, तो इनकी क्या प्राइस रेंज है? सर हमारे पास जो लहंगे नॉर्मल स्टार्ट होते हैं 40,000 से लेके, ओके उससे ऊपर आप जितना अच्छे से अच्छा जाते जाएंगे उस ऑप्शन की रेंज जा जाती है। ओके ठीक है, 40,000 से स्टार्ट है। और ये जो है लहंगा लगी हुई है, ये सेकंड डे की है। अच्छा, ये सेकंड डे की मैक्सी है, ठीक है। किसी की मेकिंग देगी ये, ओके फर्स्ट डे का ड्रेस लगा हुआ है, ठीक है ये फर्स्ट डे का है। इसी तरह ये फिर मैक्सी, ये इसका वर्क कौन सा हुआ है इसमें? ये सर तकरीबन सारी वर्क के स्टिच किए गए हैं, क्योंकि इसमें कोरा भी है, जंजीरा है, क्रिस्टल लगे हुए हैं, माल सर इसमें रियल एक नंबर लगा होगा जितने भी पीसेस होंगे हमारे। ओके, इसमें इसी तरह ये मैक्सी दी गई है, ठीक है ये सेकंड डे के हिसाब से, ठीक है। और इस पे वर्क क्या हुआ है? वर्क सबके भी में डिफरेंट होगा सर, ठीक है। सब में यही चीजें यूज होती हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। अब ये जो ड्रेस लगा हुआ है, ये लहंगा सेट लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको अगर ऑर्डर में बनवाना चाहें फर्स्ट डे में भी लेके जा सकते हैं, वैसे ही ये भी हमने सेकंड डे का बनाया है, इसमें 3 के फ्लावर साथ ऐड किए गए हैं, ठीक है। ये लहंगे का फ्लेयर है, ओके। और ये जो सेकंड लास्ट वन, ये भी मैक्सी बनाई गई है, ठीक है। इसके लहंगा आज का ये वैसे डबल में कहलाती है, ये भी फर्स्ट डे का ड्रेस लगा हुआ है, ये फ्रंट ओपन के बीच में है, ये स्लिट इसकी ओपन हो जानी है। ओके, तो इसकी क्या प्राइस रेंज? रेंज क्योंकि प्राइसेस तो वेरी होती हैं, चेंज होती हैं, ये तो नहीं आज जो रेट है वो जी जी हिसाब से, अभी आपको कुछ बताएं कल इसमें कुछ और आ जाए, हां चेंज हो सकती हैं, वैसे प्राइस आपको अभी हिसाब से नहीं बता सकते। ओके, लेकिन ये कि 40 से स्टार्ट है, उससे ऊपर जितना अच्छे से अच्छा आप कहें एज पर कस्टमर डिमांड और क्वालिटी, ठीक है। नाज़रीन, इस टाइम जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे रश हो चुका है,
और मेरी वीडियो तकरीबन यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट जितनी भी यहाँ पे आइटम्स हैं या शॉप्स हैं वो तकरीबन इस वीडियो में मैं कवर कर चुका हूँ। नाज़रीन, ये मोती बाज़ार का वीलॉग आपको कैसा लगे है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो देखना चाह रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।